पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आयरन मैन जो हवा के अंदर उड़ रहा था, तो उसको जो शक होता है कि शहर के अंदर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन वो जैसे ही शहर के अंदर आता है देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है और इतना धुआं और लोग ऐसे इधर उधर क्यों भाग रहे, तो भाई चालाक इसे वेनम जो है आयरन मैन के पीछा था और उस पर हमला कर देता है, जिससे हमारा आयरन मैन हमको जो है ज़मीन पर गिरता हुआ दिखता है पिछले एपिसोड के अंदर। लेकिन गाइज खुशी की बात तो ये कि आयरन मैन बेहोश नहीं हुआ था, और ये बात जैसे वेनम को पता लगती है वो जो है अपने बेस की तरफ भाग जाता है। लेकिन गाइज हमारा आयरन मैन भी काफ़ी ज़्यादा चालाक है, उसको पता चल जाता है कि ये काम वेनम नहीं किया है, क्योंकि जो सारे कैमरा शहर के अंदर लगे हैं हमारा आयरन मैन उन सब के अंदर चेक कर लेता है और उसको पता चलता है कि ये सब वेनम ने किया है, और उसको वेनम के हेडक्वार्टर का भी मेरा मतलब जो बेस है उसका पता चल जाता है। तो गाइज आयरन मैन जो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वेनम के बेस की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन गाइज वो ये बात भूल चुका है कि जो सूट की चार्जिंग है वो काफ़ी ज़्यादा लो है। जारविस अभी कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि बैटरी इतनी लो हो गई है कि अगर जारविस कुछ बोलेगा तो सूट पूरा ही बंद पड़ जाएगा। और ये देखिए वेनम के सामने आयरन मैन सीधा लैंड हुआ है, और गाइज वेनम जो है अपनी पावर से आयरन मैन को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन आयरन मैन भी पूरा जोर लगा रहा है कि वो जो है वेनम के काबू में ना आए। और भाई आयरन मैन ने जो है वेनम को पंच कर दिया भाई बहुत ही ज़ोर से, ये बात वेनम को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग चुकी है। लेकिन आयरन मैन तो भाई वेनम को बचाने के लिए ये सब कर रहा था ना, फिर भी गाइस जो वेनम है आयरन मैन को काफ़ी बुरी तरह से मारता है, और चार्जिंग लो होने की वजह से आयरन मैन जो अपनी शक्तियाँ भी इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और भाई वेनम आयरन मैन को पटक पटक के जो है उसका सूट ख़राब कर देता है। लेकिन गाइस जारविस जो है चालाक इसे नैनो पार्टिकल्स वाला सूट लेके आ जाता है आयरन मैन के लिए, और हमारा आयरन मैन फिर से उठ के खड़ा होता है। और भाई उसके हाथ की तरफ देखो, उसने अपने हाथ कितने बड़े बड़े, और भाई बहुत सारी लेज़र्स और जो मिसाइल्स है आयरन मैन यूज़ कर रहा है। लेकिन वेनम तो जो है थेनोस के काबू में है, तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो अपने एक अल्टीमेट अवतार में भी है, तो क्या आयरन मैन इसको हरा पाएगा या नहीं। वैसे मैं तो चाहता हूँ पर्सनली कि आयरन मैन वेनम को बचा ले, क्योंकि तो अगर ऐसे ही धीरे धीरे सारे एवेंजर्स थेनोस के काबू में आ गए तो गाइस इस शहर को जो है थेनोस बुरी तरीके से तबाह कर देगा, जैसे कि अभी वेनम कर रहा है। लेकिन गाइस हमारा आयरन मैन जो है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, हो सकता है कि ये जीत जाए, क्योंकि आयरन मैन ने पिछली बार जो है थेनोस को भी हरा दिया था और थेनोस को जो है अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। लेकिन यार ये तो वेनम है, वेनम एक तो अल्टीमेट रूप में भी है, ऊपर से उसके पास स्टोन्स की भी पावर है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली मैच मेरा मतलब जो फाइट है आयरन मैन जीत सकता है। लेकिन हमारा आयरन मैन जो है शहर के बाहर था बाकी एवेंजर्स के साथ, तो वो जो है पूरे एक दो रातों से नहीं सोया, तो वो काफ़ी ज़्यादा थक भी गया और कमज़ोर भी पड़ गया, इसके लिए वो जो है बार बार ज़मीन पे गिर जा रहा है, और वेनम के काफ़ी सारे हमलों से उसको डैमेज भी पड़ रहा है सूट के अंदर भी, जबकि उसने नैनो पार्टिकल्स वाला सूट पहना है। ये देखो जब वेनम छतरी उठा के मारता है तो भाई आयरन मैन तो खड़ा भी नहीं हो पाता अच्छे से। लेकिन हमारा आयरन मैन जो शहर को बचाना चाहता है और वो अकेला भी है, इसलिए वो हिम्मत करके खड़ा होता है और अपने सूट को जो है एकदम अपग्रेड मोड पे लेके जाता है। अब वो जो है लेज़र से हमला करने वाला है वेनम के ऊपर, लेकिन वेनम जो है उसको हमला करने का एक भी मौका नहीं दे रहा है। लेकिन अगर इसका एक वार भी वेनम पर पड़ गया तो गाइज वेनम फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसा आयरन मैन सोच रहा है। और फाइनली हमारे आयरन मैन ने थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रिक कर दिया वेनम को, और गाइज अपने लेज़र से हमला कर दिया। लेकिन यार स्टोन्स की वजह से वेनम जो है फिर से बच गया, लेकिन आयरन मैन जो है अपने सूट की पूरी ताकत लगा रहा है भाई। लेकिन वेनम ने फिर से जो है आयरन मैन को पछाड़ दिया, और इस बार उसके ऊपर गार्ड ही फेंक के मारी, जिसके वजह से आयरन मैन जो है काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरा है, हवा में ही है वो अभी भी, और भाई बहुत ही ज़ोर से आयरन मैन नीचे गिरा है, पूरा फर्श भी टूट चुका है और आयरन मैन का सूट भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। और लेकिन वेनम तो गाइस उसको जो है खड़े होने का भी टाइम नहीं दे रहा है, एकदम बुरी तरह से वेनम जो है मार रहा है। अगर इस वक्त आयरन मैन को मदद नहीं मिली तो गाइस वेनम जो है आयरन मैन को पूरा ख़त्म कर देगा, और थेनोस जो है आयरन मैन को अपने टीम में शामिल कर लेगा, जिसकी वजह से थेनोस की टीम जो है और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। लेकिन हमारा आयरन मैन किसी से कम नहीं है, उसने जो है वेरोनिका से मदद मांगी है, जिससे कि वो सूट को रिपेयर करेंगी, नया सूट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो यही वाले सूट को जो है अपग्रेड कर देंगे। और इस बार जो है आयरन मैन ने अपने हाथों के साथ साथ पूरे बॉडी को जो है हल्क बस्टर बनाने के बारे में सोचा है, क्योंकि वेनम को जो है सिर्फ
हल्क ही हरा सकता है। लेकिन वेनम को मार खाता देख थेनोस ने जो है वेनम को अपने स्पेसशिप में वापस से बुला लिया, इसलिए वेनम जो इस बार बच के निकल गया और थेनोस भी। लेकिन आयरन मैन इस चीज़ से कुछ सीख गया है, जिसकी वजह से उसको पता चला है कि वेनम को जो है सिर्फ हल्क बस्टर ही हरा सकता है, लेकिन हल्क को कौन हराएगा, इसलिए वो जो है थेनोस के जैसा दिखने वाला सूट भी बनाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलो लाल टमाटर को बाय।